क्या हुआ, ठीक हो? लगी तो नहीं? फिसल गए, शायद थोड़ा थक गया ना, तो बैठे क्या? हाँ श्योर, चलो। आज की रात बिल्कुल तुम्हारे हिंदी फिल्मों के हीरो वाली फीलिंग दे रही है मुझे। ऐसा क्या खास है इस रात में? चांदनी रात है, ठंडी हवा है, इतनी सुंदर जगह है और मेरे बगल में एक बहुत सुंदर हीरोइन। बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म का रोमांटिक सीन लग रहा है मुझे। नहीं? और फिर आगे क्या होता है इस सीन में? याओ, वहां देखो, आगे हीरो और हीरोइन इस चांदनी रात के इन चमकते हुए सितारों को देखकर ये सोचते हैं कि चिंदल साहब, हाँ, हम भी ऐसे एक दिन तारा बन जाएंगे जैसे हमारी माँ बन गए, अंगद जी बन गए। वो देखो गुड्डन, वो जो आसमान में सबसे ज्यादा चमकते हुए दो सितारे हैं ना, एक तुम्हारी मां है और एक हमारे अंकल। यही तो अफसोस है हमें जिंदल साहब, हम सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं। गुड्डन अपने दूर जरूर चले जाते हैं, लेकिन अगर उनसे जुड़े हुए प्यार को, एहसास को, उनकी यादों को अगर हम संभाल सके ना, तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, हमारे दिल में, ठीक यहां। इतने समझदार कब से हो गए आप मिस्टर अक्षत चंद्र? जब से आप हमारी जिंदगी में आ गई है ना, समझदारी अपने आप समझ में आने लगी है मिसेस गुड्डन अक्षत चंद्र। आई मीन इट। जनरल साहब, हम कहते जाने से पहले कि मौसम और खराब हो जाए, हमें होटल जाना चाहिए। सब मौसम का तो पता हा? नहीं, हमारी तबीयत जरूर बिगड़ जाएगी। चलो चलो, ठीक है, आसपास रह लेते हैं ना। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, कम विद मी। गुड्डन, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई कैब नहीं है। जिंदल साहब, हाँ, वो देखिए, चले क्या उधर? चलो चलो चलो। से जुड़ी ना आके कोई भी राह तेरी। नीचे के कमरे में आग? कौन? कौन है वहाँ? हाँ? कौन? रुको, 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 अरे, रुको, अरे, लक्ष्मी, दादी, किशोर जी, जल्दी आइए, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ? घर में कोई घुसा था, उसने एजी के कमरे में आग लगा दी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मैं भाग गया। अरे चलो पहले ऊपर कमरे में देखते हैं। हाँ चलो। Oh!
दादी संभालिए अपने आप को। गुड्डन सासू माँ को गए एक महीना हो गया, आप कब तक ऐसे? अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अपने बच्चों को जाते देखना। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी का जब मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं है। कितना कुछ बदल गया है इस एक महीने में। गुड्डन क्या गई, इस घर की रूपरेखा ही बदल गई, सारा परिवार बदल गया, मेरा लल्ला बदल गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गुड्डन कहीं गई ही नहीं, यही है हमारे आसपास। कभी लगता है किसी दिन गुड्डन इसी दरवाजे से आ जाएगी और अपनी मीठी मुस्कान से पूरे घर को भर देगी खुशियों से। लक्ष्मी खिड़की बंद कर दे। जिंदा लोगों की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाते माँ जी, अशुभ होता है। हैरानी का कारण समझ सकते हैं अम्मा जी, हमने भी नहीं सोचा था कि हम इस घर में कभी वापस आएंगे। पर देखिए ना, कृष्णा जी के खेल ही बहुत निराले हैं अम्मा जी। वापस वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से सारी कहानी की शुरुआत हुई थी। मेरी गुड्डन, गुड्डन तू आ गई बेटा, मेरी गुड्डन जिंदा। सासू लला देख, लला देख कौन आया। कौन है माँ, कौन आया? देखा लला, मैंने कहा था ना मेरी गुड्डन जरूर आएगी। ना जाने कौन सी अशुभ घड़ी में मेरी गुड्डन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गई। और मेरा दिल जानता था मेरी गुड्डन जिंदा है, वो जरूर आएगी। देखा आ गई ना मेरी गुड्डन। किस्मत साथ नहीं थी माँ जी उस दिन हमारे, हमारे जिंदल साहब हमारे पास नहीं थे इसलिए पैर फिसल गया। क्योंकि अगर जिंदल साहब हमारे साथ होते तो फिर तो हमें फिसलने ही नहीं देते।
कसम जो खाई है इन्होंने हमेशा हमारा साथ देने की, है ना चंदन साहब? ठीक कह रहे हैं ना जिंदल साहब? छुटकी, छुटकी, सुन क्यों नहीं रही है? सासू माँ, वो मंदिर गई है, अभी आती होगी थोड़ी देर में। कैसी है तू? दिया वापस आ गई? हाँ छुटकी, और तू इतना मिस किया तूने हमें, हाँ कि यहीं पर अपना घर बसा लिया। हाँ देव, मैंने आपको मिस तो बहुत किया, और आपके जाने के बाद ही मैं यहाँ आ गई, लेकिन आपकी याद में नहीं। तो फिर वजह कुछ और है दी। क्या बोलना, क्या वजह है? मंगलसूत्र, सिंदूर, शादी कर ली तूने? हाँ दी। पर किससे? और फिर शादी कर ली तो यहाँ छिंदल भवन में अपने घर क्यों नहीं रह रही है? दी, शादी के बाद पति का घर ही तो पत्नी का घर होता है ना? हाँ, पर जिंदल भवन में यहाँ कौन तेरा पति? मैं हूँ रेवत जी का पति। गुड्डन जी, अब ये सिर्फ आपकी बहन छुटकी नहीं है बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी है। पर आप सिर्फ मेरी अब सासू माँ नहीं बल्कि साली भी है। मिलिए ना मेरी धर्म पत्नी मिसेस रेवती पर्व सिंह। वैसे सासू माँ, आपसे एक और रिश्ता जुड़ गया मेरा, बहनोई का। चलिए चलिए, आशीर्वाद दीजिए। दूर रहो हमसे। क्या बकवास कर रहा है छुटकी? तूने इस इंसान की सच्चाई जानने के बाद भी इससे शादी की? क्या बकवास कर रहा है हमने पूछा? तू इसके ये धोती कुर्ते पर तो नहीं चली गई ना? इसकी जो गंदी करतूतों की काली खोर बू है ना छुटकी, वो ये इस चंदन के टीके से छू नहीं हो सकती है। कह दे कि ये झूठ है, बोला भी क्या भी। गुड्डन जी,
मेरे बुरे कामों की सजा मुझे मिल चुकी है। आपकी बहन रेवती के प्यार ने मेरी जिंदगी से सारे कालिख मिटा दिया है, धो दिया है सब। अब अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा है तो सिर्फ प्यार बचा है। रेवती के नाम मत लेना हमारी बहन का अपनी जुबान से, अपनी इस गंदी जुबान को अपने हलक में रखो। ज्यादा ना टपकाई ना तो टपका देंगे तुम्हें। दीप, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन पर्व जी बदल चुके हैं, यकीन करिए मेरा, ये सब सच है। क्या सच है चुटकी? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब सच है। ठीक है, जब ये मंगलसूत्र ही नहीं रहेगा तो सच कैसे का नहीं रहेगा ये रिश्ता। गुड्डन जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इतना बड़ा पाप मत कीजिए। मंगलसूत्र को तोड़कर पति पत्नी के इस रिश्ते को बदनाम मत कीजिए, प्लीज। जेल जाने से बचाया हमने आपको, इतना कुछ होने के बाद भी सच नहीं बताएंगे? मैं तुम्हें अपना सच बता चुका हूँ गुड्डन, तुम्हें नहीं मानना वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। क्या सच बता चुके हैं कि आप हमसे नफरत करते हैं? हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया वो नफरत में ही किया है। मैंने गोली चलाई है तुम पर। जाओ जाके जिसको कहना है कह दो, पुलिस में कह दो, आई डोंट केयर। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें जरूरत है एक अपराधी को बचाने की। ओके, अपराधी नहीं है आप, पति हैं हमारे। अपराधी वो होते हैं जो जानबूझकर अपराध करते हैं, पर हम जानते हैं कि आपने जो भी कुछ किया किसी मजबूरी में किया, वरना ऐसे किसी अपराधी का साथ नहीं देती गुट्टी, भले ही वो उसका पति क्यों ना। अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ गुट्टन। हाँ, पर जब तुम अपना ये छोटा सा दिमाग चलाना बंद करोगी ना तो समझ जाओगी कि सच क्या है। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, और मैंने ही किया ये सब। नफरत करते हैं नाम से तो हमारी आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए ना कि नफरत करते हैं। मैं एक बार नहीं 100 बार कह सकता हूँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ गुट्टन। 100 बार छोड़िए, आप सिर्फ 10 बार कह दीजिए, हम मान लेंगे। ठीक है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। I hate you. I hate you. मैं तुम्हारी इन बचकानी गेम्स में ना और ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकता। I don't have to prove anything to you. Okay? I hate you. लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। अगर आपको याद हो तो हम भी नहीं कह पाए थे 10 बार जिंदल सा। सिर्फ 10 बार मेरी आंखों में आके डाल के बस कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हम आपसे प्यार नहीं करते क्योंकि वो गुस्सा था हमारा, नफरत नहीं। हमारे दिल में जो आपके लिए प्यार है वो तो कुछ भी खत्म ना कर पाया ना कर पाएगा। और आपकी ये नफरत एक मजबूरी है, ये हम महसूस कर सकते हैं, पर कैसी मजबूरी चिंदल सा, पता नहीं बोल क्यों नहीं पा रहे आप हमें। कौन सा मनहूस आया आपको रोक रहा है हमें सच कहने से?
खराब है क्या तुम्हारा? Are you mad? ये तो सब कहाँ है? ये सब क्या है? अंतरा कहाँ? यहीं थी ना वो? आपकी जान अक्षत जिंदल ने नहीं बल्कि इस हॉट हैंडसम हंक पर्व ने बचाई है। टेढ़ी उंगली सीधी हो सकती है, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर पर्व के रास्ते और उसके इरादे वैसे के वैसे रहते, बिल्कुल आपकी तरह। एक्स सासू मां अपनी जात का खास ख्याल रखता हूं मैं, इसलिए तो अपने कबूतर से खबर मिलते ही उड़ता हुआ चला आया आपके पास आपको बचाने, वरना आप तो अभी तक वहीं पहुंच गई होती जहां से निकली थी वापस। अंतरा, अंतरा यहां क्यों हो गई? क्या हो गया है तुझे गुड्डन? अरे लल्ला ने ये घर निवेश के तौर पे हाल ही में खरीदा है और मुझे यहां दिखाने के लिए लेके आया है, और तू तू यहां पुलिस को लेके आ गई? बात क्या है बोल गुड्डन। एक मिनट गुड्डन जी का ये मानना है कि अंतरा इस घर में छिपी है, लेकिन आप लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं। जाहिर है आप दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अच्छा, और आप यहां बिना किसी वारंट के मेरे घर में तलाशी लेने आ गए? लुक, आई एम सॉरी। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, शायद हमें ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। जिंदल साहब कभी झूठ नहीं बोल सकते। इट्स ओके गुड्डन जी, ये तो अच्छी बात है कि अंतरा जैसे खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आप पुलिस की मदद कर रही हैं। लेकिन बिना सबूत के हम नियत्ते हैं, नेक्स्ट टाइम सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पे हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। हम चलते हैं। क्या खेल खेल रही है वो अंतरा आपके साथ? क्या आप इस हद तक उसकी मदद कर रहे हैं? बस इतना समझ लो गुड्डन कि ये खेल बहुत खतरनाक है, और अंतरा तुमसे दूर रहे इसी में सबकी भलाई है। इतना उछलने की बात नहीं, तुमने मुझे इतने बड़े बाथरूम में इतनी छोटी सी खिड़की से बचाया है, और अगर तुम चूक भी जाते ना तो भी अक्षत मुझे बचा लेता। जिसके ऊपर एक बड़ी सी तलवार ऐसे 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 लटक रही है ना, थोड़ी सी चूक और तभी तो एक बार कहने पर उसने अपनी छोटी सी क्यूट सी वो लाडली सी गुड्डन की मिस्टेक को सुधार लिया और उस पुलिस वाले को झूठ कहना पड़ा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है एक सासुमा, इसी बात पर चीयर्स हो जाए। एक जाम आपकी आजादी के नाम और गुड्डन की बर्बादी के नाम। यस यस यस। तुम्हें पता है पर्व, मैं इतनी 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 खुश हूं ना कि मतलब मैं चाहूं तो भी नहीं बता पाऊंगी। वो गुड्डन का नेवर एंडिंग पेन, वो दुख, मतलब क्या सुकून मिलता है मुझे। और अक्षत वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, इतना मजबूर है ना कि Just perfect. कलयुग भी हमसे क्या क्या करवा रहा है। Not done. अभी तो बस शुरुआत है एक सासुमा। मैंने कहा था ना आपसे, आप और मैं अगर हम दोनों मिल गए तो अक्षत और गुड्डन की प्रेम कहानी में
तूफान ला देंगे, तूफान। इसीलिए मैंने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया है। चीज़? लेकिन देखो तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि तुम्हारे इस धोती कुर्ते की वजह से या जैसे यू लुकिंग वेरी नाइस, इसकी वजह से ये सब नहीं हुआ, मेरे दिमाग की वजह से हुआ है। और जो तुम ये जिंदल भवन में ऐसे फैल के ऐसे खुशी से ऐसे रह रहे हो ना, वो भी मेरी ही देन है, इसको भूलना मत। कोर्स एक सासुमा, ऑफ कोर्स। देखिए आपको और मुझे एक ही चीज से मतलब है, इंडिया की यंगेस्ट सास की बर्बादी। उसे इतनी बुरी तरीके से गिराना है कि जिंदगी भर वो उठकर खड़ी ना हो पाए। यंग तो है पर फिर भी बुड्ढों की तरह जिंदगी भर लड़खड़ाती रहे। अब दिमाग आपका हो या मेरा क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो नतीजे से है ना। और इस खेल के खत्म होते होते अक्षत और गुड्डन की लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा, यानी कि बर्बादी हो जाएगी।